मुफ्ती सुल्तान के बयानात के लिए मुफ्ती सुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। लेकिन ये चीजें सहाबा को अल्लाह के रसूल को समझ में नहीं आई। अल्लाह के रसूल हिरकल के दरबार में, रोम के, फारस के दरबार में अल्लाह के रसूल ने खुतूत भेजे हैं। खुतूत की इब्तिदा की है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। बेअदबी ना हो जाए इसके लिए हम 786 लिखते हैं, वो सामने वाले का हेडिक है, आपका नहीं है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस को खत लिखा था, उस खत में लिखा इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो पढ़ के सुना रही है कि देखो ये सुलेमान के जानिब से खत आया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ने वाली भी उस वक्त मुसलमान नहीं थी, बाद में ईमान लाई। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना चाहिए, बरकत का अमल है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु अमरिन दीबालिन लम युब्दा फीहि बिस्मिल्लाहि फहुव अक्ता वहुव अबतर। जो काम बिस्मिल्लाह के जरिए शुरू किया जाएगा वो काम मुकम्मल हो जाता है, जो काम बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू किया जाएगा वो काम अधूरा है और दुम कटी हुए जानवर की तरह है। जानवर है उसका कटा हुआ दुम है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना चाहिए, पूरा पूरा बिस्मिल्लाह लिखना चाहिए। बिस्मिल्लाह के बजाय अगर कोई बंदा 7-8-6 पढ़ता है, 7-8-6 पढ़ता है तो उसको सवाब नहीं मिलेगा और बिस्मिल्लाह का बदल भी नहीं होगा। और बिस्मिल्लाह के जरिए जो बरकतें मिलने वाली हैं वो बरकतें इसके जरिए मिलने वाली नहीं है। आंकड़ों के जरिए इलाज करना जायज नहीं है, जायज नहीं। मैंने कहा ना कि आंकड़े तो बहुत दूर की बात है, ऐसे जुमलों से, ऐसे कलिमात से इलाज जायज नहीं है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अल्लाह के रसूल ने सीधे सीधे जो अरबी कलिमात हमको बताए हैं वही कलिमात कहना यह मसनून अमल है, वही कलिमात कहना यह मसनून अमल है। तावीज देने के लिए एक और बात, आखिरी बात बता दूं, उसके बाद इंशाल्लाह बात खत्म कर देता हूं। फिर सूरह फलक सूरह नास के बीच में जो रब्त है, दोनों के अंदर जो फर्क है, पना कितनों से मांगी गई, कितने चीजों से पना मांगी गई, दुनियावी आफात, समावी आफात, वो इंशाल्लाह आइंदा मजलिस में उसका तस्करा किया जाएगा। आखिरी बात, तावीज देने के लिए जो है ना आलिम होना, मुत्तकी होना जरूरी नहीं है। हमारे माशरे में गलती ये हो गई है कि जो तावीज देगा वो सबसे बड़ा आमिल समझा जाता है। जिस आलिम को तावीज नहीं आता वो आलिम लोगों की नजर में जाहिल है।